अरे बाथरूम में तो आराम से बैठने दो ना। जल्दी आइए, बाहर आइए, हम लूट गए, बर्बाद हो गए। जल्दी आइए ना, जल्दी बाहर आइए। कौन सी मुसीबत आ गई, कौन सा भोचाल आ गया? किरण भाग गई है घर से। देखिए पढ़िए, ये सब आपकी जिद का नतीजा है। डैडी, मैंने और राजा ने शादी करने का फैसला कर लिया है। आज शाम 5 बजे बाकी के घर पे हम दोनों शादी कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, चलो अपनी बहन तो पहन लीजिए। बहन को मारो गोली, मेरी इज्जत उतरी जा रही है, ये भी गिर जाएगा। चलो सुनिए, चलो ना। ओम श्रो मंगल मांगल्य शिव स्वाद शादी के शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब आप खड़े होकर फेरे लीजिए, पकड़ो। ओम मंगलम भगवान। ये शादी नहीं हो सकती, बंद करो। यमदूत आ गया, भागे भागे, रोक इसको, रोक इसको, भागे। कोई बात, कोई बात नहीं, आप लगे रहो, मैं बुढ़ों को देखता हूँ, आने दो। ये टावल छोड़ दिया? आप जिद छोड़ दो, मैं टावल छोड़ दूंगा। अरे पंडित जी, ये 420 है, ये मकारी है, जालसाजी है, ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है। अरे इसकी बातें मत सुनो, तुम लोग घूमते रहो, पागल हो जाएगा। ए पंडित, अरे बंद करो यार। चली करो पंडित जी, हो गया हो गया, टावल मत छोड़ना भाई, टावल मत छोड़ना। विवाह संपूर्ण हुआ। क्या बात कर रहे, हो गया? अब आप दोनों पति पत्नी हो गए। अरे ऐसे कैसे पति पत्नी हो गए, कन्यादान तो हुआ नहीं। कन्यादान मैंने किया सेठ जी। अब आप दोनों जाकर आशीर्वाद लीजिए। पहले आप जाइए ना, मुझे बहुत शर्म आती है। नहीं नहीं, मैं इस फुटबॉल प्लेयर का आशीर्वाद नहीं लूंगा। जाइए ना। अच्छा तुम कहती, तो मैं डेटिंग करता हूँ। ससुर जी, सासू जी, देखिए जो कुछ भी हो उसके लिए मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती, बंद करो। मुबारक हो सिद्धानी जी, मुबारक हो। अबे किस बात की मुबारकबाद, एक तो मेरे दुश्मन से मेरी बेटी की शादी करा दी, ऊपर से मुबारकबाद दे रहा है। शादी मैंने? हाँ तूने, अगर तूने मेरा टॉवल ना पकड़ा होता तो मैं एक फेरा ना होने देता, ऊपर से तूने मेरी बेटी का कन्यादान कर दिया, तू होता कौन है बे? कन्यादान? मैं खुद लोगों से दान मांगता फिरता हूँ, मैं कहां से कन्यादान करूंगा? सिद्धानी जी आपके भाग फूट गए, सेठ जी तो सरक गए, डॉक्टर को बुलाइए, चेकअप कराइए, मुझे नहीं जरूरी है। मैं मारूंगा इसको, बहुत मारूंगा। ठीक ही तो कह रहा है, ये आप क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं, कैसी शादी, किसकी शादी, जरूर आपने कोई सपना देखा। अरे काय का सपना, इसने मेरा टॉवल पकड़ा। मेरा टॉवल किधर? कौन सा टॉवल? मेरा टॉवल किधर है? मेरे पास रुमाल नहीं, टॉवल कहां से लाऊं? अरे हाँ, मैं सपना देख रहा था, किरण बेटी की शादी नहीं हुई। अरे किरण बेटी की शादी नहीं हुई, मेरे कपड़े में वही है, देखो सब कुछ वही है जी। न जाने आप क्यों बेहोश हो गए थे। मैं क्यों बेहोश हो गया था? मालूम नहीं सेठ जी, लेकिन आपको होश में लाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। सड़े हुए प्याज सुंघाए, माली की गंदी बनियान सुंघाई, बदबूदार जूते सुंघाए, देखो जूतों का ढेर लगा हुआ है, जूते बेहोश हो गए, फिर भी आप होश में नहीं आए। उसके बाद मैंने अपने ये सॉक्स सुंघाया, तब होश में आया। इसको जेब में रख, इसकी सड़ी हुई बदबू सुंघा, मैं सपने से बाहर आ गया। होश में तो आया किरण बेटी कहाँ? वो अपनी सहेलियों के साथ फार्म हाउस गई है। सहेलियों के साथ कहाँ गई होगी? जरूर ढाबे वाले के साथ गई होगी। मुझे बहुत गर्व लगती है सेठ जी, आप उसको संभालिए, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अबे बेटी मेरी है, तू कैसे मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा? जब आपका मुंह काला होगा तो मेरा नहीं होगा। हेलो, राजा ढाबे वाला स्पीकिंग। पूरे शहर में डाका डालने के लिए तुझे मेरे ही घर मिला था क्या? मेरे बुजुर्गों ने कहा है कि डाकुओं के घर डाका नहीं डालते। अच्छा क्या बोला, डाकू? नहीं मेरा मतलब सेठ जी, आपने मुझे याद कैसे किया? तू एक काम कर, जितनी जल्दी हो सके मेरे घर पहुंच। तू क्या करते सेठ जी, बारात वारात लाने में टाइम तो लगता है ना। अबे तेरी बारात तो मैं निकालूंगा, तू अकेले पहुंच पहले। अच्छा समझ गया, बारात से पहले लेन देन की बात करनी है, अभी आता हूँ। अबे आपको नहीं बोल रहा हूँ, छोटू ऑटोला। Enjoy yourself, girls. ए शाने, रस्ते के बीच में बोतल फोड़ता है, पागल है क्या? शाने, क्या करता है यार तू, क्या करता है तू, सिंगल फसली है। लेकिन साहब, अरे चुप रे यार, ये फाइटर असली है, तू क्यों इसके साथ भिड़ रहा था? मरना है क्या तेरे को? मरना है? अरे ये क्या तगड़ी चीज है, ये क्या बॉम्ब है, मालूम है तेरे को ये क्या है? मालूम है? समझा इसको। अरे इसको लगेगी भी नहीं,
जितना तू अगर इसको मारेगा ना उतनी तेरे को लगेगी, तेरे को देखने का लगी नहीं लगेगी, और देखने का तेरे को, और देखने का ये धम ये धम ये धम, देख नहीं लगी। अच्छा अभी देगा, अभी मैं इसको लात मारूंगा, ऐसी दवा का लात मारूंगा इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसको नहीं लगेगी यार ये, ये। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है भाई। अगर मैं इतना बड़ा पत्थर उठा के इसके सिर पे ऐसे पटक दूंगा ना, तो भी इसको कुछ नहीं होने वाला है। देखने का तेरे को देखने का क्या समझ गया वो? नहीं नहीं तू बोल, समझ गया पागल आदमी यार, किसके मुंह लग रहा है यार, तू समझा नहीं इसे। अब जाइए भाई साहब, आपकी बहन आपका इंतजार कर रही है, अपन लोग भी चलते चले चले। ये मेरी बहन नहीं है, वो आपकी गर्लफ्रेंड है। सॉरी यार, दिल पे मत लेना, दिल पे मत लेना भाई, चल 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 रहे, निकल तू पागल। अच्छा अरे निकल, तेरे को मालूम नहीं कितना बड़ा आदमी है। अच्छा भाई सॉरी, हाँ माफ करना, ये लल्लू है साला। हंस क्यों रहा है तू? चूने लगा गया, चला गया ना धुलाई करके। तुझे कैसे मालूम? पिछले हफ्ते मेरे में तो धुलाई की थी उसने। हाँ। तो पहले क्यों नहीं बताया? वो मारता था ना मेरे को फिर से। हाँ। अरे सेठ जी, वो 100 रुपए का छुट्टा है क्या? हाँ? नहीं वो 20 रुपए। सिर्फ 20 रुपए? अरे सुनना इधर ना, वो बाहर एक रिक्शा वाला खड़ा, उसको 10 रुपए देना, 10 रुपए खुट्टी रख लेना। हाँ बोली क्या बात थी, किसने बुलाया था मुझे? नहीं यहाँ बैठ। क्यों यहाँ बम रखा है क्या? अच्छा यहाँ बैठ जाओ। अच्छा बैठिए बैठिए। हाँ सर जल्दी बोलिए, धंधे का टाइम है क्या? आज मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है कि मैं तुम्हारा ढाबा नहीं तोड़ूंगा। वो तो ऐसे भी नहीं तोड़ सकते थे, इसमें सोचा क्या? देखो मेरी पोजीशन और तुम्हारी औकात के बीच में जो बहुत बड़ा फासला है, वो समझाने के लिए मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। आपकी पोजीशन और मेरी औकात में जो बहुत बड़ा फासला है, वो तो आते ही मैंने देख लिया। देखिए मेरे पास ये 100 का नोट था, आपके पास 20 का नोट था, 80 रुपए का फासला है। आज मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ, मगर मुझे तो आपको देखते ही मजाक सूझता है। सेठ जी एक बात जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि अगर आपकी बेटी की और मेरी शादी हो गई, तो ये आपका होटल है और ये मेरा ढाबा है, ये लड़की का ससुराल है, ये लड़की का मायका है, लड़की फुदक के कभी ससुराल में कभी फुदक के मायके में, दिन भर फुदकती रहेगी। एक लड़की है, अगर हस्ती खेलती रहेगी तो आपका जाता। आज तुम्हारी हैसियत और मेरी औकात के बीच में कितना बड़ा फासला है, वो मैं दिखाता हूँ तुमको। चलो मेरे साथ, कमान।